लाइव वायर देखने वाले सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। नववर्ष की बात करें तो आज साल का पहला दिन है 2021 का, और जम्मू की बात करें तो जम्मू में टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू के बहुफोर्ट इलाके की बात करें तो वहां पर एक गंडोला फेस्टिवल जो है वो यहां पर आज शुरू किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू की द्वारा जो है वो यहाँ पर एक गंडोला फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया, और तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित किए जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कलाकार यहाँ पर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम जो हैं वो भी यहाँ पर शुरू होंगे। और वहीं बात की जाए अगर गंडोला राइड की, तो वो राइड का जो इंजॉय है वो करने के लिए कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर है, लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब उनकी बारी आए, क्योंकि साल का आज पहला दिन है। और जम्मू की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से लोग जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो गंडोला राइड है वो शुरू की जाए। हालाँकि काफ़ी लंबा वक्त जो था वो यहाँ पर गुजरा, ये शुरू नहीं हो पाया था। उसके बाद एक हादसा यहाँ पर पेश आया था, और उसके बाद अब जो है वो सब कुछ सही चल रहा है। और तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि ये जम्मू की जनता और जम्मू के बाहरी जो राज्य हैं, देश के जो बाहरी राज्य हैं, वहाँ से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोगों में एक्साइटमेंट जरूर है, क्योंकि कोरोना वायरस की बात करें तो साल 2020 जो है वो कोरोना वायरस की बेंट चढ़ गया, और अब जो हैं वो लोग बाहर निकले हैं, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस वर्ष में जो है वो कोरोना से हटकर लोग जो हैं वो कुछ चीज़ें एंजॉय करें। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत हम करने की कोशिश भी यहाँ पर करेंगे कि आखिर ये लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम शाजी खान है और आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हैं आप, परफॉर्म करेंगे यहाँ पर आज? जी जी, आज मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी। सर, आज जिस तरह से साल का पहला दिन 2021 का जो गंडोला यहाँ पर फेस्टिवल जो है वो चलाया जा रहा है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक अच्छा जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इनिशिएटिव तो है, और सच बोलूँ तो ये इस इनिशिएटिव की वजह से जितने भी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है, पूरी कम्युनिटी है, सब में एक जान सी आ गई है। जिस तरह से अभी 3 दिन का पहले भी फेस्टिवल चला है इनका पत्नीटॉप में टूरिज़्म की तरफ से, और अब यहाँ पे है, तो सारे आर्टिस्ट जो बेचारे इतने टाइम से सर्वाइव कर रहे थे, प्रॉब्लम्स में थे, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण जाग उठी है उनके सामने की नहीं, अब परफॉर्म करने के लिए जो है कि फंक्शन शुरू हो रहे हैं, शोज़ होने लगे हैं, टूरिस्ट आने लगे हैं, क्योंकि टूरिस्ट के जो मेन मोटिव रहता है उसके लिए अट्रैक्शन चाहिए, और अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारा कल्चर है, डोगरी कल्चर है, भद्रवाही कल्चर है, उधमपुर की साइड का हमारा अलग कल्चर है, क्योंकि हर 10 किलोमीटर के बाद हमारे J&K में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो बहुत सारा कल्चर है हमारे पास। 2020 कोरोना की बैंड चढ़ गया, 2021 का पहला दिन है इस तरह का कार्यक्रम, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि वाकई हम सब ने मिलजुल कर इस जो कोरोना था, जो ये पैंडेमिक था, इसे कहीं ना कहीं हरा दिया है, और इस साल की शुरुआत ऐसे की है, तो इंशाल्लाह पूरा साल इसी तरह से गुजरे, इसी तरह से हंसते खेलते निकले। आप आर्टिस्ट भी हैं, यहाँ पर परफॉर्म भी करेंगे, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अपने अंदाज में आप क्या कहना चाहेंगे साल 2021 में इस फेस्टिवल को लेकर? वेल, उन सबसे मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि 2020 में वायरस ने बंद करके रख दिया था, आए अब 2021 को हम धमाके का चार्ट पार्टन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये तो हमारे साथ कुछ और लोग जो हैं वो भी हमारे साथ जमर मुझे। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजीत मेहरा। कहाँ से हैं सर आप? जम्मू से। क्या कहेंगे आज जिस तरह से गंडोला फेस्टिवल, क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात करें, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार जहाँ पर कर रहे थे, आज ये फेस्टिवल शुरू किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम फेस्टिवल के लिए यही कहना चाहते हैं कि जम्मू में हमारे आर्टिस्ट बेरोजगार हो चुके थे, उनको मतलब कि काम नहीं मिल रहा था, तो टूरिज़्म वालों ने ये फंक्शन शुरू किए, तो हमें अच्छा लगा, आर्टिस्टों को बुलाया और हम परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस का कहर 2020 में लगातार रहा पूरे विश्व के अंदर, अब जम्मू कश्मीर की बात करें, 2021 का आज साल का पहला दिन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोग बाहर निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से सावधानियां बरती जा रही हैं यहाँ पर? सावधानियां एक दूसरे से मतलब कि प्यार से रह रहे हैं सभी, और सभी एक दूसरे से डिस्टेंस में रहें वो ज़्यादा बेटर है, तो हमारा यही कहना है
कि अपने आप को सेफ रखो, बस और कुछ नहीं। हेलो कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो गुंडोला राइड के लिए जा रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह का इनको जो लग रहा है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम साक्षी है एंड मैं जम्मू से ही हूँ। साक्षी जी, आज कितनी एक्साइटमेंट है आपको, जिस तरह से आज नववर्ष भी है। सबसे पहले तो आपको नए साल की भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, सेम आपको भी इस वर्ष की बधाइयाँ। एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन पहली बार जैसे हम देख रहे हैं कि जम्मू में पहली बार ऐसे गुंडोला ओपन हुआ है एंड वो माया टेम्पल तक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि स्टार्ट हुआ है, देखते हैं कैसा होगा। ठीक, अच्छा है। काफ़ी 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 लंबे समय से जम्मू की जनता जो है वो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आखिरकार गुंडोला जब वो स्टार्ट हुआ है, क्या अपील आप जनता से करेंगे, खासकर जम्मू के जो लोग हैं उनसे? कि आइए देखिए कैसा है, हमारा जम्मू भी डेवलप हो रहा है, तो हमें ही उत्साहित तरीके से आके हमें भी सब लोगों को यहाँ के मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए घूमना वगैरह, ताकि हम भी अपने जम्मू को आगे बढ़ा सकें। आपको लगता है कि जिस तरह से टूरिस्ट स्पॉट की बात करें, बहुत अच्छा ये टूरिस्ट स्पॉट है, जो बाहर से लोग आएँ उनको क्या अपील आप करना चाहेंगे, जो बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए? जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ ज़रूर देखिए, क्योंकि जिस तरफ ही से हुमायूं टेम्पल तक जा रहा है तो हमारा जम्मू का ऑलमोस्ट व्यू कवर हो रहा है, तो आप लोगों को वो एरियल व्यू भी देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ आइए एंड एंजॉय कीजिए। पहली बार आए हैं आप भी यहाँ? हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है ये यहाँ पे आके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। कुछ युवा कलाकार जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम? महरीन यूसुफ। कहाँ से हैं आप? मैं बावे से। बावे से ही आप। जिस तरह से आज टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया है, गुंडोला कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर परफॉर्म करने आए? बहुत अच्छा, फेस्टिवल्स होने चाहिए, क्योंकि जब तक लाइफ में मनोरंजन ना हो, एंटरटेनमेंट नहीं हो, तो लाइफ में ऑब्वियसली सी बात है कोई मज़ा नहीं आता। तो अच्छी कार्यक्रम रखा गया, हमें भी आयोजित किया गया है, हमें भी बुलाया गया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह से साल 2020 की बात करें तो कोरोना वायरस के कारण सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन अब 2021 का पहला दिन है और आज आप बाहर निकले हैं, क्या कैसा लग रहा है? साल की नई शुरुआत है, ऑब्वियसली सी आज फर्स्ट जनवरी है, न्यू ईयर है, पहला दिन है और बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, एक फेस्टिवल से हो रही है, सभी लोग इकट्ठे होकर एक फेस्टिवल कर रहे हैं, सभी लोग एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर थे, बट अब ये मौका आ रहा है कि नए साल में लोग इकट्ठे होने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हाँ अब फेस्टिवल्स होंगे, अब हर एक जिस तरह से हमने होली, दिवाली, क्रिसमस सारों ने दूर दूर मनाया, नए साल में एक नई सोच के साथ सारे आ रहे हैं कि हाँ अब सारे इस साल में सारे फेस्टिवल साथ में। जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम से, क्या अपील उनसे आप करेंगे? कुछ नहीं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फर्स्टली, और सेकेंडली बी सेफ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, हमें अभी भी अपने जीवनों में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? शुभांगी। जिस तरह से यहाँ पर एक फेस्टिवल किया गया है, काफ़ी समय से आप लोग घरों में बंद थे, क्योंकि आप सभी लोग कलाकार हैं, काफ़ी समय से आप घरों में बंद थे, अब जिस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, कार्यक्रम जो आज ये गुंडोला जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू कश्मीर आर्ट एंड कल्चर अकेडमी और उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट को, जिन्होंने हम जैसे आर्टिस्टों के बारे में सोचा, जिनकी कमाई का साधन कुछ नहीं था और इसी के थ्रू हम लोग कमाते हैं और यही खाते हैं, यही हमारे लिए मतलब पूरा हम इसी पे निर्भर हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। उसके बाद कि जैसे आज प्रोग्राम शुरू हुआ है न्यू ईयर के उत्सव पे, तो हम यही चाहते हैं कि नई सोच, और जैसे कि कोविड चल रहा है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के जहाँ पे यहाँ पे सारे प्रोग्राम अरेंज किया गया है, तो उसी को बनाए रखें और साथ में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और प्रोग्राम भी हों ज़्यादा से ज़्यादा। जम्मू की जो जनता है, जनता से क्या अपील करेंगे आप, जो जम्मू के लोग हैं
जो बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हैं, अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक जा रही है, और जो जम्मू के भी लोग हैं उनसे आप क्या अपील करेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बस मास्क का, सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें आप अपने साथ रखें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप मनोरंजन देख पाएंगे और हम कर पाएंगे। जैसे कि इन्होंने आज पूरा कार्यक्रम भी उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब COVID-19 को ध्यान में रखते हुए रखा है, तो उसके लिए मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से हमारा कार्यक्रम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और हमने आपको पूरी तस्वीरें जो थी वो यहाँ पर दिखाई कि किस तरह से जो गंडोला कार्यक्रम, जो फेस्टिवल है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है, गंडोला राइड का लोग आनंद ले रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं, और आर्टिस्ट लोग जो हैं उनमें खुशी है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से सभी तरह के कार्यक्रम जो थे वो बंद कर दिए गए थे, और अब इन लोगों में खुशी है कि ये कार्यक्रम जो है वो फिर से शुरू हुए हैं। और जिस तरह से डोगरी पकवानों की बात करें जम्मू के, वो भी यहाँ पर उनके स्टॉल भी यहाँ पर जो थे वो लगाए गए थे। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।